अभी अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास परसेंटेज तो बढ़ गया है थोड़ा। रोलिंग जो हम देख रहे हैं कि 7 दिन का अगर हम देखते हैं तो लगभग लगभग 18.11% के आसपास, और कम्युनिटी हम जो देखे हैं तो उसमें लगभग 7 से 9% के आसपास आएगा। और आज जो हमारा है लगभग 14% के आसपास का जो है वो पॉजिटिविटी रेट आ रही है। टोटल डेथ कितनी होगी टोटल अभी तक जो डेथ हुई है वो 999 के आसपास हमारे पास डेथ हुई है, ये रिपोर्टेड है हमारे पास। सर हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है तो कितना किस तरह से अरेंज कर रहे हैं? पहले हमारे पास कम बेड थे पर धीरे धीरे बेड बढ़ाया जा रहा है। जितने भी प्राइवेट अस्पताल से उनमें सबको बोल बताया जा रहा है कि आपके यहाँ जितनी बेड कैपेसिटी उनको कोविड के जो मान लो दो पार्टीशन में भी करना चाहते थे तो उनको भी बोल दिया कि नॉन कोविड और कोविड को अलग अलग ना रखें, सिर्फ उसको कोविड अस्पताल बना ले। तो उन्होंने सारे कन्वर्ट कर रहे हैं और लगभग 6,000 से ऊपर हमारे बेड हो गए हैं। और ऑक्यूपेंसी सर उसमें से कितनी? ऑक्यूपेंसी मतलब 70% तो ऊपर ही जा रही है, लगभग 70-80% ऑक्यूपेंसी आ रही। इसमें वजह है कि हमारे यहाँ के जो इंदौर के पेशेंट्स हैं वो कम है, होम आइसोलेशन में भी रह रहे हैं, मगर बाहर के पेशेंट जो आ रहे हैं उनकी वजह से बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। आइसोलेशन सेंटर भी कोई बनाया है सर, क्वारंटाइन सेंटर? एक CCC कोविड क्वारंटाइन सेंटर जो है वो हमने दत्तात्रेय जो हमारा हॉस्पिटल है धार रोड पे प्राइवेट का है जो लास्ट ईयर भी बनाया गया था उसको CCC सेंटर बना दिया गया। एक मऊ में भी चल रहा है जो हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल, वहाँ भी एक कोविड केयर सेंटर चल रहा है। किया गया सर किसी को या अभी? वहाँ पर अभी एक डॉक्टर रखा है, 50 बेड की सेंशन आई है और हम स्टेट पे लिख दिया है कि हमको कम से कम 100 बेड की कैपेसिटी वाला CCC मीटर मिल जाए तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को रख लेंगे। अच्छा माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी सर बनाए गए हैं, ऐसे कितने माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो बनाए जा रहे हैं? कल से जो माइक्रो कंटेनमेंट जो जोन बनाने का था कलेक्टर का आदेश भी था तो वहाँ जहाँ आइडेंटिफाई करे हैं कि जो जोन में या जो वार्ड में ज़्यादा पेशेंट्स मिले हैं उन पेशेंट्स को मतलब अपन लोग वहाँ पर माइक्रो कंटेनर जोन बनाए जाए कि मतलब उसमें बैरिकेड्स लगा दिए जाए और बैरिकेड्स लगाने के बाद सिर्फ उस कॉलोनी में या बड़े बहुत बड़े बड़े नहीं बनाए माइक्रो कंटेनमेंट मतलब जितना है इस एरिया वहाँ पर एक ही वन वे टाइप पर रखेंगे जहाँ से कि बेसिक चीज़ें आने जाने के लिए या कोई पेशेंट्स है या मान लो कभी किसी को 45 एज के लिए जो वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ जाना है या कुछ इमरजेंसी पड़ रही है तो एक ही वे से आना और जाना रहेगा। जहाँ पर गश्त वगैरह भी लगे पुलिस जवान भी रहेंगे और हमारी जो NM आशा कार्यकर्ता रहेंगे ये लोग रेगुलर उनको कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी करते रहेंगे। अगर कोई पॉजिटिव केस मिला है तो उसको अगर वो होम क्वारंटाइन रहना चाहता है तो होम क्वारंटाइन रहेगा, अगर किसी को लगता है कि मेरे को हॉस्पिटलाइज होना है तो वो करेंगे, अगर उनके लगता है कि किसी को मेरे को खांसी बुखार सर्दी आ रहा है तो उनका सैंपलिंग भी हमारी RRT टीम जाके सैंपलिंग भी करेगी। सर ये 19 तारीख तक का लॉकडाउन जो लगाया गया है क्या लगता है इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा जो केसेस बढ़ने में? बट नेचुरल है कि इसमें कुछ तो फ़र्क आना ही है, इसका रिजल्ट हमको अभी तो नहीं मगर आने वाले 15 दिन के बाद जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा हमें तो कोविड के केसेस कम होंगे। क्योंकि ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पहले 45 ईयर्स करके जितने भी हैं या ऊपर हैं उनको टीका लगवा लें, बस टीका लगवा लें और मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज यूज़ करें घर में भी सही। और अगर किसी को भी कोई परेशानी है सर्दी हो रही खांसी हो रही बुखार आ रहा है तो उसको छुपाए नहीं, हमारी RR टीम को या 1075 को फ़ोन कर दे, टीम वहाँ उनके पास आ जाएगी उनका सैंपलिंग ले लेगी।